यह प्याज की जो फसल है आप देख सकते हैं, इसमें जो कंद बनना अभी स्टार्ट हो गया है और कहीं कहीं कंद भी बन गया है। और जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अब तने में बनी हुई है, तो इसको जो है कंद तक पहुंचाने के लिए हमें किस टाइम पे जो कितने दिनों के बाद जो है ज़मीन से खाद डालना चाहिए और कितने दिनों के बाद जो स्प्रे करना चाहिए, तो सही जो समय कौन सा है जिससे हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा काम करे, तो उसके लिए आप जो है स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती की फसल पर। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अब हम बात करेंगे कि हमें जिन भाइयों की जो फसल है वह लगभग 100 दिन से ऊपर की जो हो गई है उसमें हमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट अच्छा काम करेगा या फिर 0050, तो आप जो है 0050 का जो स्प्रे करेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके डोज की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग आप जो है 300 से 350 ग्राम जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं और फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके इसमें फंगस यानी पीलापन ज़्यादा हो, पर्पल ब्लच की समस्या हो, बैंगनी धब्बे की हो और झुलसा रोग हो और जो है जलेबी रोग हो, तो इनमें आप जो है अदामा का कस्टुडियो एजेक्सिबिन टेबिकोन झोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आपके प्याज की फसल में डोज की बात करें तो उसका भी जो है 1 एकड़ में 300 ग्राम के लगभग आप उसे यूज़ कर सकते हो। और अगर थ्रिप्स ज़्यादा ही लग रही है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, तो उसमें आप जो है एसीफेट जो 50% ले लीजिए और फिप्रोनिल 5% ले लीजिए। इसको आप जो है डाल दीजिए 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम, और जो है इसके साथ में साइपर ले लीजिए जिसका डोज रहे 1 बीघे में 50 से 60 ग्राम। इन दोनों टेक्निकल को ले लीजिए और जो है थ्रिप्स के लिए काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और फंगीसाइड भी हमने बताया। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है कब डालना चाहिए, तो कैल्शियम नाइट्रेट को कंद को बड़ा करने के लिए जो है ज़्यादा समय की आवश्यकता लगती है, तो वह आप 60 दिन के बाद में आप डाल सकते हैं, 80 और 60 दिन के बीच में लगभग, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपकी फसल 90 दिन प्लस की हो गई है तो आप स्प्रे कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। 0050 आप कौन सी कंपनी का लेंगे, कोरोमंडल का ले सकते हैं, उत्तम का ले सकते हैं और जो है महादान का ले सकते हैं। अच्छी कंपनी का आप जो है स्प्रे ले लें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो है जो हमें स्प्रे करना है वह सुबह या शाम को स्प्रे करें। और अगर ड्रोन है तो ड्रोन का जो स्प्रे, जो ड्रोन अभी स्प्रे कर रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वह ऊपर से ही डायरेक्ट पौधे को ऊपर से नीचे तक जो है पूरा भिगा देते हैं। एक बूंद जो रहती है बैटरी वाले पंप या जो जनरेटर वाले पंप की, उनकी उनमें से 50 जो है एक वो ड्रोन वाला जो है स्प्रे करते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और जो है बात करते हैं कि उसमें ड्रोन से काफ़ी अच्छी जो है आपको समय की जो रिकवरिंग काफ़ी अच्छी, 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 मिनट में आपका स्प्रे ख़त्म हो जाएगा। और प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं अच्छी कंपनी का, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है एक्सपायरी डेट को डाल देते हैं, उनको रिजल्ट की बजाय काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।